भारत की पहली स्मार्ट सिटी जिसे प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता था, आज वो गो सिटी ऑफ इंडिया बन गई है। जहाँ 2090 तक अमरावती स्मार्ट सिटी को बनाने में बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, वहीं 2090 के बाद इस स्मार्ट सिटी का काम पूरी तरीके से रोक दिया गया है। कई इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए इसमें फंस गए हैं, कई किसानों की जमीन इसमें अटक गई है, वर्ल्ड बैंक ने इसमें पैसे लगाने से इनकार कर दिया है, वहीं पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें पैसे लगाने से इनकार कर दिया है। और अब यह लग रहा है कि अमरावती स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया इस डिकेड का बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमरावती स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया से गो सिटी ऑफ इंडिया बन गई। ये स्टोरी शुरू होती है जून 2014 में, जब आंध्र को विभाजित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो स्टेट बनाए गए। तेलंगाना के एक स्टेट बनने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना की कैपिटल सिटी बना दिया गया। तेलंगाना स्टेट बनने से पहले हैदराबाद आंध्र की कैपिटल सिटी थी, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, जिसके कारण आंध्र नो कैपिटल स्टेट बन गया। और तब ये डिसीजन लिया गया कि आने वाले 10 सालों के लिए हैदराबाद दो स्टेट की कैपिटल होगी, और इन 10 सालों में आंध्र प्रदेश को अपनी कैपिटल सिटी बनाने में टाइम दिया जाएगा, ताकि वो अपनी कैपिटल सिटी बना ले। लेकिन उस समय की सरकार के दिमाग में यह सोच थी कि किसी सिटी को अपनी कैपिटल सिटी बनाने के बजाय क्यों ना एक न्यू स्मार्ट सिटी बनाई जाए, जो आज से 100 ईयर्स आगे हो, जो आंध्र प्रदेश को आगे ले जाए। और चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने न्यू स्मार्ट सिटी बनाने का डिसाइड किया। गुंटूर नदी के नज़दीक कृष्णा नदी के किनारे अमरावती को इसके लिए चुना गया। ये नाम प्राचीन भारत के डेक्कन रीजन में सातवाहन एम्पायर की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। और यहीं से शुरुआत होती है भारत की पहली स्मार्ट सिटी अमरावती की। अमरावती के लिए जैसे जगह डिसाइड हुई, वही 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की घोषणा की। यह सुनहरा मौका देख के तब के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी जी से मिलने चले गए, और उन्होंने अमरावती स्मार्ट सिटी का प्लान मोदी जी के सामने रखा। ये प्लान देखने के बाद मोदी जी ने इस सिटी को 100 स्मार्ट सिटीज में इंक्लूड कर दिया गया। अमरावती सिटी की नींव 22 अक्टूबर 2015 को रखी गई, और इस इवेंट में नरेंद्र मोदी जी, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और जापान और सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। भारत की यह पहली स्मार्ट सिटी थी, जिसके कारण सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्मार्ट सिटी को सिंगापुर जैसी सिटी बनाना चाहती थी, इसलिए बहुत नामी आर्किटेक्ट्स और कंपनीज के मालिक ने मिलकर इस सिटी का प्लान डिज़ाइन बनाया था, जिसमें सिंगापुर यूके की कंपनीज शामिल थी, जिसमें अमरावती सिटी को 217 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े एरिया में बनाने का डिज़ाइन तैयार किया गया था, और इस पे तेज़ी से भी काम चालू हुआ। इस प्रोजेक्ट में 33,000 एकड़ किसानों से ली गई थी। भारत में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन आंध्र गवर्नमेंट ने 1 ईयर के अंदर ही 80% लैंड एक्वायर किया, और 20% लैंड के लिए जो फार्मर्स का विरोध था उन्हें भी समझा कर बाद में लैंड एक्वायर किया गया। अमरावती सिटी में 51% एरिया ग्रीनरी होगा, 10% वाटर के लिए अलोकेट किया जाएगा। इस सिटी को काफ़ी एडवांस तरीके से डेवलप किया जा रहा था, जिसमें अंडरग्राउंड स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा था, उसी के साथ सेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाना था, और उसी तरह नेचर का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए इस सिटी का प्लान बनाया जा रहा था। सिटी में ट्रांसपोर्ट के कई मॉडल का प्रयोग किया जाना था, जिसमें एयरवेज, रेलवेज, मेट्रोज का भी समावेश था। सिटी की नेसेसरीज को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पार्क्स को डेवलप किए जा रहे थे। इस सिटी की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.09 लाख करोड़ थी, जिसमें से फेज़ वन के लिए 51,000 करोड़ के खर्चा किया जाना था, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, $300 मिलियन, वर्ल्ड बैंक $200 मिलियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देती, 2,500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से 1,500 करोड़ ग्रांट भी कर दिया था, 2,800 करोड़ रुपये आंध्र की गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किया था। अमरावती सिटी का फेज़ वन 2020 में कम्प्लीट होने वाला था। फेज़ वन में
बहुत ही जरूरी चीजों पर ध्यान दिया गया था, जैसे कि पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होने वाला था। फेज वन कंप्लीट होने के बाद आंध्र की गवर्नमेंट यहाँ अपना काम शुरू कर देती। इसमें उसे अपनी कैपिटल मिल जाती। इस प्रोजेक्ट को 2029 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब ये काम होते हुए नहीं दिखाई देता। 2015 तक से 2019 तक तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन 2019 में ये होता है और जगमोहन रेड्डी की सरकार आते ही इस प्रोजेक्ट को रोक देती है। इसका कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया था, स्मार्ट सिटी में स्कैम हुए हैं और जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है। रेड्डी अमरावती का आंध्र की कैपिटल बदलकर तीन कैपिटल बनाना चाहती है। पहली विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, दूसरी अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और तीसरी कुर्नूल जो कि जुडिशरी कैपिटल होगी। जगमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट का कहना है कि अगर किसी स्टेट की एक कैपिटल होती है तो कैपिटल के नज़दीक ही डेवलपमेंट होता है और दूसरे स्टेट का एरिया निगलेक्ट होता है। ये ठीक हो सकता है, लेकिन इससे पहले इंडिया में ये कभी नहीं हुआ है। इसकी वजह से लोगों ने कोर्ट में 60 पिटीशंस इसके अगेंस्ट दाखिल की है और अमरावती स्मार्ट सिटी को लैंड देने वाले फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने ये सोचकर लैंड दिया था कि उनकी एरिया में डेवलपमेंट होगा, पर स्मार्ट सिटी का काम रुकने से फार्मर्स का ही ज़्यादा नुकसान होगा है। थ्री कैपिटल सिटी के प्लान के वजह से वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने भी इस प्रोजेक्ट को फंडिंग रोक दी है। यही सिलसिला जारी रहा तो इंडिया की इमेज पूरी तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में ख़राब हो जाएगी। जगमोहन रेड्डी ने यही नहीं बल्कि और भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि चंद्रबाबू नायडू ने स्टार्ट किए थे उनको रोक दिया है। ये इंडिया की सैड रियलिटी है, जो कोई न्यू सरकार आती है वो पिछले सरकार ने जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं उसको रोक देती है। जैसे हाइपरलूप प्रोजेक्ट का हाल महाराष्ट्र में है, वैसा ही हाल इंडिया के कई स्टेट्स का है। हम ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कोई गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए किसी प्रोजेक्ट को स्क्रैप ना करे। हालांकि अब जगमोहन रेड्डी जी के गवर्नमेंट की आंखें खुल गई है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस नज़दीक है, इसलिए उन्होंने फिर से अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने का फैसला लिया है। अब ये देखना होगा कि कौन सी गवर्नमेंट आती है और अमरावती का फ्यूचर कैसा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद।